लाइक लैला मजनू, जूलियस सीजर एंड हीर राजा। तो आज मैं आपको एक बर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक बहुत आइडियल कपल है एंड ये है आपका दी ग्रेट 100। सो माय नेम इज तरुण भट्ट, गुड आफ्टरनून द फैकल्टी मेंबर एंड लेडीज एंड जेंटलमैन। खास बात जो इस बर्ड की है, आप देखेंगे मैंने दो फोटो इसलिए ली है, इसमें आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि मेल और फीमेल आप पता नहीं कर सकते हैं, पर देयर इज अ फिट। आप देखेंगे कि मेल का जो ये क्यूपिड है ये रेड कलर का है एंड फीमेल का आप देखेंगे दिस इज द वाइट। सो जो ग्रेट हॉर्नबिल है ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ का ये स्टेट बर्ड है एंड केरला का भी ये स्टेट बर्ड है। आफ्टर दैट ये मलेशिया का नेशनल बर्ड है और मलेशियन डिनोमिनेशन जो 100 रुपी है उसमें आपको इस बर्ड का फोटो मिलेगा। इवन श्रीलंका के 10 रुपए की नोट में भी आपको इस बर्ड का फोटो मिलेगा। इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज ब्यूसरस ब्रोनोलिसिस, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है। एंड आप देखेंगे इस बर्ड की खास बात क्या है कि एक आइडियल कपल है। मेल आप देखेंगे इसको हम बोलते हैं कैस्क, मेल दो तरीके से फीमेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, मेल और मेल, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो थ्योरी है चार्ल्स डार्विन की उसका एक डायमेंशन और भी है विच इज नोन एज द बायोलॉजिकल फिटनेस। तो मेल और मेल आपस में एक दूसरे के कैस्क को टकराते हैं विच इज नोन एज एरियल बटिंग। दूसरा तरीका है कि मेल कैसे अट्रैक्ट करेगा फीमेल को अपनी वॉइस से, मेल भी करता है फीमेल भी करती है, इस तरीके से इनका पैटर्न बनता है। ये जो बर्ड है इसको हम हिंदी में बोलते हैं धनेश और ये 2000 फीट की ऊंचाई तक आपको फ्लाई करता मिलेगा। फ्लाई करने में एक चीज क्या होती है कि जब ये फ्लाई कर रहा होता है तो इसके पंखों से जब ये उठता है फ्लाई करता है तो आवाज आती है इस टाइप की आवाज, एंड कंटिन्यूस फ्लाई नहीं करेगा। मान लीजिए ये भी पेड़ है ये भी ट्री है तो यहाँ से जब फ्लाई करेगा तो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कर पाएगा, रेस्ट करेगा, फिर इस तरीके से ये एक वेव फॉर्मेशन में उड़ना शुरू करता है। मैं क्योंकि कॉर्बेट में हूँ 1.5 साल से, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा इस बर्ड को देखने का, यहाँ पे लेपर्ड था हम उसको देख रहे थे, मैं जिप्सी के पीछे आ गया तो मुझे लगा कि जिप्सी के उससे आवाज़ आ रही रहेगी बट मेरे सामने से उड़ता हुआ गया, सो दैट वॉज माय ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा जब ये कैविटी अपनी बनाते हैं तो दोनों मेल फीमेल अपनी कैविटी को बनाते हैं, 1 साल के लिए उसमें अपना रहते हैं फिर दोबारा चेंज करते हैं। इस दौरान मेल फीमेल को उस कैविटी में रख देता है और मिट्टी से एंड जो फीमेल का जो वेस्ट मटीरियल होता है फिकर उससे एक होल दीवार जैसा बना देता है और बीच में एक छेद होता है। फिर ये मेल जो फिक्स है या फाइकस है जिसको हम बरगद बोलते हैं उसके बीज जो होते हैं उसको ला लाकर फीमेल को देता है जब एक इंक्यूबेशन पीरियड में होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 30-40 डेज का और एक बार में जो फीमेल है वो 1 से 2 या 2 से 3 एग्स को ले करती है एंड जब छोटे बच्चे होते हैं उसको हम चिक्स बोलते हैं। एक बात और भी ध्यान करने की कि हम इसको जब हम बर्ड्स की बात करते हैं तो मेल को हमेशा हम कॉक बोलते हैं, फीमेल को हमेशा हैन बोलते हैं, तो ये खास बात इसकी है। एंड एक चीज़ और भी है कि बहुत पहले ट्राइबल कम्युनिटीज में आप देखेंगे तो इसका शिकार बहुत होता था मास स्केल में। द रीज़न वॉज दैट दो थ्योरीज है, एक तो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग इसको जब मारते थे तो उसका जो कैस्क है लोअर एंड अपर मैंडिबल है उसको अपने ट्राइबल ऑर्नामेंट्स के रूप में यूज करते थे। इसके अलावा ये भी सुनने में आता है कि जो अमीर लोग होते हैं जिनके बहुत अजीब से शौक होते हैं वो इसके पूरे कैस्क को लेकर इसमें वाइन भर के पिया करते थे एंड इवन एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है तो 1 से लेकर 10 दिसंबर तक ये हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। कभी भी आपको मौका मिले आप देखेंगे इस बर्ड को, इसका जो पीरियड है इसका जो ब्रीडिंग पीरियड है वो जनवरी से लेकर अप्रैल तक के बीच में होता है। एक बार आपको कॉर्बेट के लैंडस्केप में बहुत दिखेगा ये। एंड अभी एक न्यूज आई थी आर्य फॉरेस्ट महाराष्ट्र के वो काटे जा रहे हैं तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है इसको काट दो, बट वो एक चीज भूल गए, ये बर्ड हमेशा साल के पेड़ में आपको जो लॉन्ग ट्रीज होते हैं उसमें टॉप पर बैठती है। द रीजन इज दैट जो हैवी बर्ड्स होती है बड़ी बर्ड्स होती है उनको टेक ऑफ करना पड़ता है, अगर वो नीचे होंगे तो टेक ऑफ नहीं कर सकती है, सो हमेशा इनको ऊपर चाहिए। अगर वो पेड़ कट जाएंगे और जो यंग पेड़ उगाए जाएंगे तो उनमें अपना जो टाइम लगेगा बढ़ जाएगी कहाँ। इवन देहरादून में भी
जो यहाँ की स्टेट लीडरशिप है करंट, उन्होंने ये भी बोला है कि जो एलिफेंट कॉरिडोर है उनको बंद किया जा रहा है क्योंकि एयरपोर्ट का एरिया बढ़ाना है। तो ऐसे में जब पेड़ कटेंगे तो ये बर्ड बेचारी कहाँ जाएगी। सो ये मेरा रिक्वेस्ट है, बर्ड को बचाइए। एंड अब तो खैर ट्राइबल कम्युनिटीज इसको नहीं करती क्योंकि मिजोरम एंड असम गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया इसको मारने पर। और एक कम्युनिटी है बॉर्नियो, देश है, तो वहाँ पे कम्युनिटी है जिसको हम बोलते हैं डायट। तो वो कम्युनिटी का ये मानना है कि जब ये बर्ड उनके घर के ऊपर से उड़ती है तो ये ईश्वर की आत्मा के रूप में इसको संबोधित करते हैं, द स्पिरिट ऑफ गॉड। सो बहुत अच्छी बर्ड है, आपको इवन यहाँ पे भी दिखेगी, इवन कॉर्बेट में कभी भी आप आएंगे आपको ये बर्ड दिखेगा। एंड खास बात इसकी एक और है जो इसकी आई लैशेस है, जैसे ऑस्ट्रिच के होता है वैसे इसके भी होता है। एंड दिस इज द ग्रेट हॉर्नबिल। थैंक यू सो मच।